वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु 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 जी। जननी जने तो सूरमा जैसे गुर गोबिंदा, शेरा वर्गे शत्रु सांब सकण ना जिंदा, पर जे तके मेहर नाल एवें बिंद दी बिंदा। जुगा जुगा दी साहेबी बख्श देवे बख्शिंदा। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, प्रजा प्रजा कट मरे कब हो नशा दे खेत। इतिहास खालसे दा ना कोई कल्पत कड़ी कहानी, सिक्खी ने जन्म लिया तिखी धार ते गदे थाणी। ओ हनुमान खालसे दा कई चमकौर वर्गियां गड़िया, सिखा ने सिर करिया लिखिया नाल खून दे लड़िया। इतिहास खालसे दा ना कोई कल्पत कड़ी कहानी, सिक्खी ने जन्म लिया तिखी धार ते गदे थाणी। हनुमान खालसे दा कई चमकौर वर्गियां गड़िया, सिखा ने सिदक दिया लिखिया नाल खून दे लड़िया। पुछो ततिया तमिया नू दसन की उबल दिया देगा, सिर वड जलादा ने किनिया खुंडिया कर लिया तेगा। खुद मिट गए हस्ती तो मनिया ना दुश्मन दिया तड़िया, सिखा ने सिदक दिया लिखिया नाल खून दे लड़िया। जन्मती दास चीरिया जन्मती दास चीरिया, आरा परे शहादत लंबी खोपर तारू सिंह दा लौंदी खुंडी हो गई रंबी। ओ दो निकिया जिंदड़िया बोलन नीहां दे विच खड़िया, सिखा ने सिदक दिया लिखिया नाल खून दे लड़िया। दर्द जलादा ने करके हिको अड कलेजा, तुनिया मो बंदे दे प्यारे पुत दा कड कलेजा। चलिया बकदड़का वाल दोवे बावा करके खड़िया, सिखा ने सिड़क दिया लिखिया नाल खून दे लड़िया। असी दूने पल्लर दे असी दूने पल्लर दे मनू जो जो सानू वड्डे विच कोपर हीड़े दे परले सठ सिरां दे गड्डे। मैं सिख मुका दिते दुश्मन डींगा मारे बड़िया, सिखा ने सिदक दिया लिखिया नाल खून दे लड़िया। गां विच अफगाना दे कीता सारा गड़ी च साका, आखर दे दम ताई छड़िया नहीं सूर मैं नाका। मैं कालफ लिख गया है जिसने कोग तरीखा पढ़िया, सिखा ने सिदक दिया लिखिया नाल खून दे लड़िया। करनैल कवि शुरते करनैल कवि शुरते की मन जीत विचारे जानन, पठी ननकाने दी दे विच मच के कीता चानड़। विच चुड़कर बानी दे जिंदा वांग पवंकड़ सड़िया, जिंदा वांग पमकड़ सड़िया, सिखा ने सिड़क दिया लिखिया नाल खून दे लड़िया। परम सन्मान योग बाबरां दे नाल जड़ी जंग एमनाबाद की धरती तो शुरू हुई सी, अज भी एक पासे बाबर ते दूसरे पासे भाई साहब भाई लालो दे वारस बाबे नानक दे वारसां दे सामने मैं हाथ जोड़ के फतेह अर्ज करदा। सारे गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सब तो पहला दिल दियां गहराइयां तो तुसी जिन्ने इत्थे
संघर्ष दे विच जुड़ के बैठे हो, घरां तो चल के आए, सारिआं नूं वार वार नमस्कार है। सिर चुकदा मेरा तुहानूं संघर्षी जोधिआं नूं जिन्हां दे विच छोटे छोटे बच्चे, साडीआं मातावां भैणां, साडे बजुर्ग, तकरीबन 2.5 महीनों का समा जिहड़ा ओह चलिआ। तुसीं हिंदुस्तान की अन्नी बोली हकूमत दे नाल अपने हकों की खातर लड़ाई लड़ते पे हो। मैं तुहाडा सारिआं का धन्नवाद करदा, स्टेज ते विराजमान शख्सियतां का धन्नवाद है। मैं केवल एक कविता आप सिख संगत के सामने कह के, कविता है अज के हालातों की, जिहड़े तुसीं इत्थे बैठे तुहाडा धन्नवाद। पर अजे भी कुछ ऐसे जिहड़े घरां दे विच बैठे ये गल सोचदे, बहुत संगत चली गई दिल्ली, साडे जाण की जरूरत नहीं। उन्हां नूं बेनती करन वास्ते असां ने एक कविता लिखी, वह तुहाडे सामने जिहड़ी वह रखनी है। उहदे तों पहलां चंद क बेनतियां आप सिख संगत दे नाल, वह बेनतियां मैं हर थां दे उत्ते हर स्टेज दे उत्ते करदा आ रहा हां। जिथे किते भी मैनूं जाण दा मौका मिलदा मैं वह बेनतियां करदा आ रहा हां, क्योंकि सरकार दे कोल बहुत वड्डा मीडिया जिन्हों अज गोदी मीडिया कहा जाता है, वह अपना कूड़ का प्रचार, अपना झूठ का प्रचार अपने उस गोदी मीडिया दे राही करदे पे। मैं अपने इस मीडिया का धन्नवाद करदा पे जिन्होंने साडी गल घर घर तक पहुँचाउण वास्ते योगदान पाया। तुहाडा भी दिल दीआं गहराइआं तों धन्नवाद है, तुहानूं भी बार बार सलाम है। पर याद रखियो, पिछले तकरीबन 4-5 महीनों तो साडा सब तो वड्डा प्रचार जिहड़ा वह साडे व्याहां दे विच, साडे इकट्ठां विच, साडियां प्रभात फेरियां दे विच, साडे नगर कीर्तनां दे विच, कोई ऐसा थां नहीं सी जिथे किसानी संघर्ष की गल नहीं हुई। तो जिथे किसानी संघर्ष की गल नहीं हुई, याद रखियो, ना ओ व्याह संपूर्ण, ना ओ भोग संपूर्ण, तो ना ओ इकट्ठ संपूर्ण जिथे किसानी संघर्ष की गल ना होए। मैं जड़ियां बेनतियां, मैं क्या सरकार नूं कानून ते बनाउणे चाहीदे सी लोकां दे हित दे, पर गल सारी दी सारी 7 सालों दे विच होई उल्ट। सारा कुछ ही जिहड़ा ओह होया उल्ट। लोकां ने सरकार ते ए सोच के चुनी सी भी शायद साडे अच्छे दिन आउणगे, पर अच्छे दिन इदां दे आ गए, सानूं महीनियां बद्दी सड़कां दे उत्ते सौणा पै गया। और कानून ते इदां दे चाहीदे सी जिन्हां दे नाल लोकां दा भला हुंदा है। कहण नूं ते आ साडा देश सब तों वड्डा लोकतंत्र, पर इकबाल ने कदे लिखिया सी, अब शर्म सी आती है मुद्दतें गुजरी हुई है, जुल्मो सितम सहते हुए, अब शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। कानून किवें दे बनाउंदी पई सरकार? ओ जे एक किसान ने पराली नूं अग ला दित्ती ते जुर्माना 1 करोड़ रुपया, और यूपी की धरती दे उत्ते किसी की धी रातों रात खड़ के साड़ दित्ती, किसी ने नहीं पुछया ओ तुसीं पापी हो एडा वड्डा जुल्म क्यों कीता जी, किसी की धी दे नाल एडी वड्डी बेन्याई जिहड़ी ओह क्यों कीती है। कानून सरकार बनाउंदी है, हुण इत्थे हरियाणे वाले पूरे भारत के वीर बैठे, कानून सरकारां किवें दे बनाउंदियां? बापू नूं पेंशन देंगे, देंगे 65 सालों तो बाद, बापू की जमीन 2.5 किलियां तो वध नहीं चाहीदी, फिर 750 साढ़े आले पासे 750 मिलता, 750 रुपया पेंशन दिती जाएगी, जिहदे नाल बापू की 2 वारी शायद दवाई भी ना आवे। मैं क्या तुसी लोकां वास्ते 750 देना ते कानून एडे सख्त, एक बारी जिहड़ा MLA बन जांदा उहदी पेंशन 75,000 रुपया, चाहे उहदी जमीन भावें 750 किला जिहड़ा उह वी क्यों ना होवे। इदां दे सरकारां जिहड़े उह कानून बणाउंदियां पईआं, लोकतंत्र कहण दा लोकतंत्र है, पर सच्ची मुची अज लोकतंत्र नहीं, भारत की धरती दे उत्ते केवल ते केवल लीडर तंत्र चलदा पिआ जी। हाँ, जे लोकतंत्र किसे ने वेखणा होवे ते फिर इस मोर्चे दे विच आ जाओ, जिन्हें लोकतंत्र वेखना वह इस मोर्चे विच आ जाओ। तो याद रखियो, इत्थों एक नवे इनकलाब की, नवे भारत की नींह रखी जाएगी। जिदन ये मोर्चा जित के घरां नूं जावांगे, उदन आने वाली सरकारां नूं भी इस गल का पता लगेगा, और जिहड़े कानून बनाउणे ने वह लोगों के बारे सोच के बनायो, नहीं तो लोगों बद्दी लोकी महीनों बद्दी सड़कों के उत्ते सौ के ते इन्हां कानूनों के खिलाफ जिहड़े वह डर जाणगे। सो इस करके शांति दे नाल मोर्चा चलता पिया। मैनू कल परसों एक सज्जन ने सवाल किया, कहिंदा जी किन्नी शांति विखा सकते हो तुसी, शांति दीआं गल्लां स्टेज तो, शांति दीआं गल्लां। मैं कहा तैनू नहीं पता सी किन्नी शांति विखा सकते, कहिंदा दसो ते सही।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਤੇ ਦੋਈ ਥਾਈ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਤੇ ਖਾ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕੀ ਡੀਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤੀਏ। ਆਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਟਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਉ ਮੈਦਾਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਵਾਗ ਛੱਡੀ ਜੋ ਢਿੱਲੀ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਗੋ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਟਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਉ ਮੈਦਾਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਵਾਗ ਛੱਡੀ ਜੋ ਢਿੱਲੀ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਗੋ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਢਿੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਢਿੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁੱਕੇ ਗਿੱਲੇ। ਸਰਬੱਤ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈਏ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮਿਲੀ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਗੋ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ। ਅਰਜਣ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨਾ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਸਮਾਧੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਟਣੀ ਜਬਰ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਗੋ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾ ਦਿੱਲੀ। ਸਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰੋ ਹੰਬੜਾ ਜਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਾ ਜਾਓ। ਓ ਮਤੀ ਸਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਆਲੇ ਡਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਮਤੀ ਸਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਆਲੇ ਡਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਗੋ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਛੱਡੋ ਵਕਤ ਮਾਰਦਾ ਵਾਜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਜਾ। ਓ ਵੱਡੇ ਆਖ ਗਏ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀ ਬਿੱਲੀ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਗੋ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਕਨੇ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਵੇਚਤਾ ਦੱਸੋ ਛੱਡਿਆ ਕਿਹੜਾ। ਓ ਝੂਠ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਤੀ ਸੱਚ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗਿੱਲੀ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਗੋ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾ ਦਿੱਲੀ। ਓ ਬੱਚੇ ਬਾਬੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪੋ ਲੈ ਲੋ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ। ਬੱਚੇ ਬਾਬੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪੋ ਲੈ ਲੋ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਬਾਲਿਆ ਫੇਰ ਬਚੂ ਕਰਸਾਨੀ। ਓ ਜਦ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਤੋੜ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਕੇ ਮਿਲੀ ਜਦ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਤੋੜ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਕੇ ਮਿਲੀ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਗੋ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾ ਦਿੱਲੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਪੈਰ ਪਉ ਪਛਤਾਉਣਾ ਈਦ ਲੰਘੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭੰਗੂਆ ਸੱਜਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਈਏ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਜੇ ਮਿਲੀ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਗੋ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾ ਦਿੱਲੀ। ਹੋ ਏਕ ਵੋ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਜਾਤੇ ਹੈ।
हैं जमाने के साथ साथ, लेकिन मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। मैं इको बेनती करदा जिन्हों का जी नहीं करता घर तो आनू, उन्होंने सामने एक बेनती, शीशे के सामने खलो के अपना मूह वेख लियो। ओ जे ते जमीर ने आवाज दिती भी दिल्ली चलीए ते फिर आ जाओ, ओ जे जमीर ने आवाज ना दिती ते फिर समझ लियो जमीर मर गई है। ते जमीर दा मर जाना भी मौत होया करदी, शरीर बेशक जिंदा तुरिया फिरदा होए, आ बैठे जग दियां जमीरां वाले इतिहास लिखिया जा रहा। अज इस लिखे जा रहे इतिहास विच आपो अपने नावां दी सही पाउण वास्ते पिंडां तों वहीरां कत के आ जाओ। होईआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा सारी गुरु की सिख संगत दा, प्रबंधकां दा धन्नवाद। अज जिन्ना भी तुसा ने आशीर्वाद भेजिया मैं दिल दियां गहराइयां तो धन्नवाद करदा, ये सारे दा सारा तुहाडा आशीर्वाद सानू पहुंच गया। पर असी अपने वालों इस किसानी संघर्ष मोर्चे दे विच अपना ये तुस जिहा योगदान जिहड़ा वह पाउने हाँ प्रवान करना। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। एसी इंटरनेशनल कविशर जथा जिन्होंने बहुत ही चंगे विस्थार पूर्वक के नाल अपना कविशर